दूसरों के घर में से गाड़ी लेते हुए। ये हमारा खाने पीने का सामान आज तो चमक करी है भाई। जब मिल बैठे तीन यार रोल स्टैक सागर है, ये आशा है, सागर उसकी आशा वो तो राहुल रही यार हुई थी पागल नहीं नाम लगे उसका मगर मैं देवदास वो तेरी सेटिंग आई है वो देवदास पारो आ गई तो पारो आ गई अरे शेरनी आ गई खड़ा हो खड़ा हो एवरीवन माय नेम इज बेजवान वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो जैसे कि आप देख चुके हैं कि भाई कार हम निकाल रहे हैं और निकल रहे हैं भाई बाहर घूमने के लिए। तो गाइस हम जा रहे हैं घूमने कहाँ, रोहतक जो कि है एक जू है, मिनी जू है, वहाँ जा रहे हैं। एक बार कार निकलती है फिर चलते हैं और आपको बताते हैं रास्ते में। तो यहाँ से निकलते हैं फटाफट से क्योंकि भाई लेट हो जाएंगे। तो इससे अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 11:20, तो हम जितना जल्दी हो सके वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेट्स गो, 2 घंटे का रास्ता है कम से कम। लेट्स गो भाई, बहुत मेहनत के बाद गाड़ी बाहर निकाल ही ली आखिरकार लौंडे ने, बहुत हिम्मत करी कभी राइट में कभी लेफ्ट में ले लेके। तो तिलियार जू के नाम से भाई वो जू है मिनी जू है। तो गाइस देखने जा रहे हैं भाई, पहली बार हम असली का शेर देखेंगे क्योंकि पिछले पता नहीं कितने व्लॉग्स हम सोच रहे हैं कि हम शेर देखें दिख जाए। एक बार हमने गए हमसे रिस्का नेशनल पार्क, वहाँ पे भाई देख लो नेशनल पार्क जाने के बाद शेर नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं। फिर हम गए कहाँ पे, पंचवटी में हमें शेर तो मिल गया था नकली का वो बेचारा, उसकी भी हालत ऐसी थी, भूखा मार रखा था उसको बिल्कुल ही कतई। लेकिन आज देखते हैं कि हमें देखने को मिलेगा या आज भी वही सीन बनेगा। आज आप देख रहे हो बहुत ही बेहतरीन नजारा जो कि हम दिखाने वाले हैं आपको। हम पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक वो भी स्टील के ग्लास में। यहाँ क्या हो गया भाई, आजा। क्या था कि जो एक सब वो जो रोड वगैरह नहीं बनाते तो उसके लिए वो पूरा वो होता है मशीन टाइप, तो मशीन लेके आए कि वो मशीन तो बिल्कुल धीरे धीरे चलती है, तो उसको ट्रक पे लेके आए हैं और फिर उसको क्रेन से उतारा है, तो इसलिए टाइम लग रहा था। 12:43 हो चुके हैं और अभी हम काफ़ी अपने मंजिल के नज़दीक है। गाइस फटाफट से पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं तिलियार मिनी ज़ू। तो भाई साहब आ गए टोलते, ये हमारा रोहतक का टोल आ चुका है, अभी राइट मुड़ेंगे और चलेंगे सीधा रोहतक की साइड। हो रहा है भाई साहब के बाद अभी तो पहुंचे भी नहीं रहे, ब्रेक भी नहीं मारी उससे पहले टोल। ओके सुन लिया हमने आपकी, चलो चले। तो गाइस फाइनली स्टॉप ठहरी है, हम पहुंच गए हैं पार्किंग में किसकी, तिलियार जू की। तो गाइस चलो बाहर चलते हैं और भाई फाइनली भाई पहुंच गए। पिछले 2 संडे से हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ आने की, पहले 2 अक्टूबर आ गया तो हमें लगा बंद होगा तो हम नहीं आए। उसके बाद क्या हुआ भाई, बारिश भयंकर, तो इस चक्कर में नहीं आए। अब जाके भाई मौसम थोड़ा बहुत सही हो गया तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो भाई पहुँच गए, अभी चलते हैं अंदर। अभी जू शुरू थोड़ी हुआ है, अभी तो सिर्फ एक स्टार्टिंग एरिया है। टिकट लिया बिना ना भेजे भाई। हाँ ऐसे थोड़ी कुछ देखने देंगे, कबूतर ना देखने दे तो भाई अभी पहले तो टिकट लेते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं अंदर। बता रखे हैं कौन कौन से है, ये देख लो रोहतक सबसे बड़ा शेर, टाइगर जू, ऑस्ट्रिच भी है,
दो टिकट दे, एंट्री बाजे बजा, एंट्री पे आ जाए भाई साहब। मगर ये तो एंट्री लेने जा रहे थे, उससे पहले ध्यान आ गया कि जेब में कुछ है नहीं यार, फोन भूल गए कार में। अच्छा टूरिस्ट रिजॉर्ट भी है यहाँ पे। अच्छा इसकी पार्किंग ऑनर इस पे है भाई। और भाई इनको भी यहीं आना था। ए छोटे छोटे बंदे, तू अपना हैंकी ले, मैं अपना फोन लेता हूँ। अरे फोन किधर गया यार मेरा, यो लग लो अरे बाप रे यार, यहाँ लग रहा था तभी भूल गया मैं, आगे रखा होता ना तो ले भी लेता। वानर सेना यहाँ पे आ चुकी है पूरी की पूरी, और ये छेड़ने को तैयार। और गाइस इसके बाद भी हम एक जगह और चलेंगे, वो भी वहाँ पे भी बहुत मज़ा आने वाला है। आई थिंक पीछे से बहुत तेज़ धूप आ रही है तो कुछ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बैक साइड से आ रही है। अरे वैसे काले हम, धूप आ गई और काले हो गए। तो गाइस टिकट आ गई है 10 रुपये पर पर्सन की, अगर आप अपने बच्चे लेके आते हो या किसी बच्चे को साथ ले आते हो तो 5 रुपये लगती है उसकी। ये अपना बच्चा ले आएगा तो उसके 5 लगेंगे। ये आप रोहतक की भाषा में अगर जानना चाहें तो ऑस्ट्रिच को क्या बुलाते हैं, सोदा। अरे आज सबके नाम रखते हुए चलेंगे अपन, हर एक जानवर के, हर एक ऑस्ट्रिच के। तो क्या लगता है क्या नाम रखे अपने इन दोनों के? मैं बताऊँ? चंगू मंगू, चंगू मंगू। क्योंकि रियल नेम तो देखो सबको पता है कि ऑस्ट्रिच है। हम आपको इनके असली नामों से इंट्रो कराएंगे बस। हमारा कोर एंट्री आ गया। लाया बापू लाया। ये एक और है हमारा, एक बार एंथनी, फिर चौथा ताऊ। ताऊ ताऊ और भी हैं। ओहो वो छोटे डियर है बड़े डियर? जब मिल बैठे तीन यार है? रॉयल स्टैग। इनको बोतल लानी पड़ेगी। दो तो बैठ गए, तीसरा बैठने को तैयार है। वो बोतल ढूंढ रहा है, घूर रहा है हमें, घूर रहा वो, नाराज है। अच्छा वो नाराज है, बोतल क्यों नहीं आई अभी? हां वो बोतल ढूंढ रहा है, वो जमीन में से वो बैठ गया। देखो लाओ लाओ ग्लास लाओ। नहीं है, सारे देख लिए मैंने पिंजरे, सारे खा लिए भाई। एक भी पिंजरे में कोई भी जानवर नहीं है इन सब में। कितना बड़ा इतना बड़ा बना रखा है, और पूरा आगे देख लो कितना बड़ा एरिया बना रखा है। आई थिंक यहाँ पे शेर वगैरह होंगे लेकिन अब वो नहीं है, अब पता नहीं और कहीं हैं या फिर यहाँ थे, तो अभी तो दिख नहीं रहे भाई। कुल मिला के अभी हमें एहसास वापस से होने लग रहा है कि हमें शेर नहीं मिलेगा देखने को। हम शेर देखने के लिए 150 किलोमीटर दूर आ गए। पहले हम गए थे 130 किलोमीटर, अब हम 150 किलोमीटर आ गए हैं, फिर भी हमें शेर नहीं दिख रहा है। क्यों होता है ऐसा हमारे साथ? और बाहर इतना बड़ी फ़ोटो लगा रखी थी शेर की, कोई शेर नहीं। मेरे को तो लगता है लास्ट में कहेंगे आओ आपको शेर सुनाते हैं। चिता है तो वही जाती, वो जाती तो वही है। अपन भी गलत टाइम पे आए हैं सोने के टाइम पे, उनके वहाँ पे भी है भाई, वहाँ बेड लग रही है, मेरे को लग रहा है वहाँ शेर ही है, वहाँ पे शेर है। चलो शेर के पास चलते हैं फाइनली। हमें भाई एक तो चीता तो देखो हमें दिख गया। हाँ भाई शेर, इसका नाम ही शेर रख देते हैं फिर अपन। लंगूरे वाला। चल भाई इसका नाम बता दे अब तो दोनों का। प्यार में टूटे हुए वो तो बेचारो एकदम ही वो तो गुन्ना मस्ती का वो तो एकदम वो तो ऐसा लग रहा है अभी अभी दिल टूटा उसका। ताजा ताजा काम हो गया। नाम नहीं कर, नामकरण कर भाई, दोनों का नामकरण चाहिए आज मुझे। हाँ मैंने सुनेगी वही पागल पागल नहीं, नाम रख दे उसका मगरमच्छ देवदास। ओ तेरी सेटिंग आई है, ओ देवदास पारो आ गई, ओ पारो आ गई। लग तो रहा है कि वाइट टाइगर हमने सुना, देखते हैं क्या ये सच है, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ दिख जाए हमें। अरे वाह वाह क्या बात है। हेलो हेलो, फोटो खींचते
सर भाई हाँ आपके तो जरा सी कुछ हो गया ना इसमें चला ही जाए और भी शेर हो गए ढेर शेर हो गए ढेर दस रुपए वसूल बहुत और आशा से मिला देते हैं हम सबके नाम रख रहे थे इनके पहले से ही नाम रख रखे हैं ये सागर है ये आशा है सागर उसकी आशा आशा सागर खाओ भाई सागर सागर बता सागर ना आशा स्पेशल विजिटिंग के लिए बना रखे थे ये इनके ना शायद मेरे हिसाब से मेन वो अट्रैक्शन होगी जू की लेकिन हाँ वो रे ना वो रे बोल पूछ रहे अभी सागर आशा ने ना ब्रो सो नाम ट्रेनिंग देने चाहिए कोई आओ तो भाई ना खड़ा होकर सो दिखाएगा वहाँ पे दस रुपया दिया है मकबूल तो है ये तो उठ नहीं रहा दो ही चीज़ हो सकती है या तो हमारा टाइम खराब है या तो हम टाइम गलत पे आए हैं तो गाइस एंड पे आ चुके हैं अब देखते हैं अभी और देखने को क्या मिल सकता है ये दोनों कुछ मिलेगा अब पर होप इज द बेस्ट तो ये हैं गिद्ध देखते हैं यहाँ पे मिलते नहीं मिलते लेकिन यहाँ पे लिख रखा है अगर आप अपने आस पास गिद्ध देखते हैं तो निम्नलिखित को सूचित करें क्योंकि 99% प्रजाति इनकी ख़त्म हो चुकी है बसंती मंत्र तो शुरू करवाता हूँ पंडित जी को बुलवाता हूँ धन्यवाद ये बसंती को ठाकुर किसने बढ़ाया तो गाइस आपको कैसा लग रहा है जू आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं हमें भी पता लगे कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा जू हो गई ख़त्म हम चले लेक हेमंत सोनी अब भगने को हो रहा है तो कहा आप चलो भाई फटाफट से लेक में नहाएंगे जाके फैमिली टाइम आप यहाँ पे इजीली स्पेंड कर सकते हो इतना ही फर्क है जैसे हम दो आए हमने हिला दिया उसको उठा दिया उसको बेचारे सारे डर गए इसकी लेक देख लो एक बार आप ये देख लो लेक देख लो लेक देख लो भाई ये लेक है मतलब मिनी जू बनाया तो मिनी लेक बना दी मतलब ये क्या प्रैक्टिकली वो कर रहे हैं क्या पॉसिबल बस चीज़ें कि हम भी यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं एक बार देख रहे हो पानी देख रहे हो आप इसका लेक का वैसे है तो थोड़ा बहुत बड़ी है चक्कर वगैरह कटवाते हैं यहाँ पे लेक का भी हमने कर दिया समाप्तम एंड पे आ गए हम लेक के काफ़ी बड़ी लेक है वैसे ठीक है अच्छी लगी लेक लेकिन कलर पसंद नहीं आया हमें लेक का हमारा टी शर्ट का कलर ब्लू था तो हम सोच रहे थे ब्लू ही मिलेगा ये ग्रीन पहना है इस चक्कर में इसके कलर ग्रीन कर दिया इसने खैर चलो फिर चलते हैं अभी वापस की ओर कार की तरफ और अट्रैक्शन देखते हैं और फिर देखते हैं अगर वो कुछ और कुछ मिलता है तो वहाँ चलते हैं तो तब तक के लिए आप भी मज़ेदार एंजॉय लें इस कार के अंदर आ गए भाई फाइनल वापस से अभी निकल रहे हैं हम कहाँ पे डोमिनोज पे भाई खाएंगे यार पिज़्ज़ा विज़ा खाएंगे मजे लेंगे मस्त ये टाइम हुआ है 3:28 ऑर्डर तो ऑर्डर भाई हमने दे दिया फाइनल तो हमें दिवाली ऑफर मिली है जिसमें हमें मिला एक एक्स्ट्रा फ्री पिज़्ज़ा चीज़ पिज़्ज़ा जो कि सिर्फ ₹1 मिल रहा है मतलब 350 का आप आइटम यहाँ से लो डोमिनोज से पिज़्ज़ा वगैरह और आपको ₹1 में पिज़्ज़ा मिल रहा है इससे बढ़िया ऑफर क्या हो सकते हैं भाई मूड सही हो जाता है ऐसी चीज़ जब हो जाती है ना तो सारा दिन का मूड सही हो गया इंडियंस तो नाउ शुरू करते हैं हम अच्छे से खाना तो गाइस ये था हमारा डोमिनोज जिसके बाहर पार्किंग नहीं है इट्स ओके लेकिन वो बंदे बढ़िया थे बेचारे पैसे लेना तक भूल गए उनसे भी बढ़िया थे हम उनको दे गए पैसे बकायदा भाई हाँ अपने कार के पास आ चुके हैं अभी निकल रहे हैं घर की तरफ क्योंकि भाई सारा सिस्टम सब कुछ ख़त्म हो चुका है खा पी लिया देख लिया जू देख लिया लेक देख ली
मूवी का प्लान बन रहा था पर वो छोड़ो कैंसिल कर दिया हमने। अभी बस भाई सीधा चल रहे हैं घर, कुल मिला के घर चलो। और नींद आ रही है बड़ी जोर की खाने के बाद, वैसे ही नींद में हालत ख़राब हो जाती है। ये देखो ये हमारी जगह भी नहीं है घुसने की, ऐसी जगह पार्क करी है हमने। तो गाइस कैसा लगा आपको ये ब्लॉग तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओके बाय।